अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया। आजाद समाज पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव में समाप्त किए गए ओबीसी आरक्षण को लेकर मांग की गई कि 27% निहित किए गए आरक्षण को पुनः लागू किया जाए। समाज पार्टी आज ये ज्ञापन आपने किस उसमें दिया है? एक तो जो गत वर्ष से आरक्षण चल रहा था, जो पहले भी निकाय चुनाव में रहा है, उसको जैसे जैसा रखना चाहिए सरकार को, तो लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, इसीलिए इसमें विवाद पैदा किया है। ये मुकदमा हाई कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और ये आयोग का गठन करना तो ये समाज को संतुष्ट करने के लिए लीपा पोत है। आप इस गठन से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हो चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए था, इसकी जरूरत ही क्या थी? रेडी बोलो। आप अपना परिचय बताएं। पूनम सिंह, जिलाध्यक्ष। किस तरह का ज्ञापन दिया है आपने? समाज पार्टी से ज्ञापन ये दिया है कि हमारा जो कोर्ट मुकदमा आगे चल रहा है, जो हमारा आरक्षण बाबा साहब का खत्म किया जा रहा है, वो हम खत्म नहीं होने देंगे और हम लड़ाई लड़ रहे हैं तन मन से, चंद्रशेखर भैया के हाथ मजबूत कर रहे हैं और लड़ते चले जाएंगे हम बहन 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 भाई सब। ज्ञापन में आपने आज क्या बोला, लिख के दिया? ज्ञापन में तो भैया ने बता दिया होगा क्या लिख के बोला। ये ज्ञापन आजाद समाज पार्टी के द्वारा ओबीसी महामारी राष्ट्रपति के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। ये जिलाधिकारी महोदय की बात है, ओबीसी के लिए उन्होंने जो आरक्षण के लिए ज्ञापन दिया है, तो इस बारे में कुछ करें? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, जो फैसला इसको सरकार बिल्कुल हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया। मैं तो ये बात पहले नाम मेरा देवी सिंह, थोड़ा तेज बोलेंगे। मैं आजाद समाज पार्टी के अंतर्गत भाई चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा मंडल का महासचिव नियुक्त किया गया हूँ, और मैं इन चारों दिनों पर मैं अपना बखू भी राष्ट्रीय स्तर से देश मिलते हैं। आज आपने किस तरीके का ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी को? ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है नगर निकाय चुनावों से, हम उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये ज्ञापन देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को जो संबोधित है माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है, जो वो अपने स्तर पर अभिशासन कर राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं। ये क्या स्थानीय निकाय चुनाव के उसमें दिया गया ज्ञापन? स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ही दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें आदेश दे दिया है कि सभी लोग लड़ सकते हैं चुनाव? नहीं नहीं, आपको ओबीसी का आरक्षण एक नियत था, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो एक जांच गठित कर दी है, आयोग का गठन किया है रिटायर्ड मजिस्ट्रेट द्वारा। आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन ये हमारी पूरी बनती है कि हम जो है समाज का जो है पक्ष रखेंगे। आप में ज्ञापन, आपके ज्ञापन में जो किस तरीके की मांग की गई है? हमारे ज्ञापन में जातिवाद घृणा भी, और हमारे यहाँ जो है ओबीसी को जो है आरक्षण जो है जो निहित था 27% को मिलना चाहिए। पर आपकी मामा का मतलब निस्तारण नहीं होता था, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय स्तर से जो निर्देश मिलेगा उसके